आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ एक ब्यूटी टिप उन खवातीन और बच्चियों के लिए जिनके चेहरे पे किसी वजह से झाइयाँ पड़ जाती हैं और हल्की हल्की कालक सी नज़र आती है। उनके लिए आपने करना ये है कि एक चटांग जौ का आटा ले लें, एक चटांग खालत पिसी हुई हल्दी, दोनों को मिक्स करके रख लें किसी भी जार में। और जब इस्तेमाल करनी है, ये लिया है हाफ टी स्पून जौ का आटा, हाफ टी स्पून हल्दी और इसमें डालनी है थोड़ा शहद। ये इंतहाई मुजर्रब नुस्खा है और आजमाया हुआ है। ये देखें, इस तरह हमने बना लेना, चेहरे पे जहाँ भी लगाना ये लगाएं उस जगह पे, और जब सूखने लग जाए, मैं आपको जल्दी बताना चाहती हूँ इसलिए जल्दी उतार रही हूँ, तो आपने जब सूख जाए इसको यूं यूं हल्के हाथों से मसलना है और इसकी मरोड़ियाँ सी उतरती जाएंगी। अगर आपको लगे कि ज़्यादा खुश्क हो गया है तो हाथों को दूध से या हल्के पानी से नम कर लें और उसको अच्छा सा रब करें, बिल्कुल हल्के हाथों से। जिल्द को आपने रगड़ना नहीं है, ये बिल्कुल घरेलू नुस्खा है। और उसके बाद जब आप इसको उतार लें, आप ठंडे पानी से मुंह धोएं और ये हफ्ते में ये भी दो दिन इस्तेमाल करें, और ये रिज़ल्ट आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाल्लाह 1.5 से 2 महीनों के बीच में रिज़ल्ट मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।